Assalamu alaikum, little learners. I am Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर ग्रेस इंग्लिश प्रेप एज 5 प्लस का पेज नंबर 22 और 23 करने वाले हैं और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वाउल साउंड और वो है लेटर आई. ठीक है, यानी थर्ड वाउल सीखेंगे और वो है आई. तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं और इसके कुछ एक्टिविटीज करते हैं. ओके, ये है पेज नंबर 22. हमारा लेटर नेम है लेटर आई. हम करने वाले हैं रीडिंग. रीड अलाउड द वर्ड्स हैविंग द वाउल साउंड आई. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेटर आई का साउंड क्या होता है. इट्स ए. ए आपने इसको ई यानी बहुत खींच के साउंड नहीं निकालना. इसका साउंड बहुत सॉफ्ट होता है. इट्स ए लाइक फेन, फ ए न, फेन. ठीक है, अब हम इन वर्ड्स की रीडिंग करेंगे और साउंड जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा रीडिंग करते वक्त. द फर्स्ट पिक्चर इज फेन, फ ए न, फेन. द नेक्स्ट इज टिन, ट ए न, टिन. B e n, bin. N e b, nib. K e d, kid. L e d, lid. Z e p, zip. B e b, bib. ठीक है, इन सब वर्ड्स में आई का ए साउंड आ रहा है. इनको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं. फ ए न, फेन. ठ ए न, ठेन. ब ए न, बिन. न ए ब, निब. ख ए ड, खेट. ल ए ड, लेड. ज ए प, जिप. ब ए ब, बिब. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. ओके, दिस इज पेज नंबर 23 और ये हमारा एक्टिविटीज वाला पेज होता है. सो एक्टिविटीज, write the beginning sound to complete each word. यानी इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, फर्स्ट साउंड लिखना है. द फर्स्ट वन इज इंसेक्ट, बिकॉज ग्रास हॉपर इज एन इंसेक्ट. तो हम यहाँ लिखेंगे आई. आई से बनता है इंसेक्ट. द नेक्स्ट वन इज इन्फेंट, इन्फेंट. ठीक है, यहाँ पे भी आई आएगा. द नेक्स्ट वन इज आयरन, तो यहां पे भी हम आई लिखेंगे. द लास्ट इज इंक पॉट, इंक पॉट. तो यहां पे भी आई आएगा. ठीक है, तो ये सब क्या है, बिगनिंग साउंड्स हैं आई के. कुछ में आई अपने रियल साउंड के साथ आ रहा है, कहीं पे आई जो है वो अपने नेम के साथ आ रहा है. और लास्ट एक्टिविटी है राइट द एंडिंग साउंड. इन पिक्चर्स के हमने एंडिंग साउंड बताने हैं. द फर्स्ट पिक्चर इज चिली, चिली. तो यहाँ हम लिखने हैं आई लिखेंगे, चिली. ठीक है, और नीचे देखें, इट्स अ टैक्सी, टैक्सी. तो यहाँ पे भी आई लिखा जाएगा. और ये है जिनी. ओ वाओ, तो जिनी में भी लास्ट पे क्या आता है, आई आता है. और उसके एंड पे है कीवी, कीवी में हम यहाँ पे आई लिखेंगे. और इस तरह से इस एक्टिविटी को भी आपने कंप्लीट कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा वाउल साउंड आई, यानी हमारा थर्ड वाउल जो है आई. और इसका साउंड क्या है, इसका साउंड है ए, ए. और कहीं कहीं यानी कुछ वर्ड्स में ये अपने नेम के साथ आता है, जैसे आयरन. तो आयरन में आई जो है अपने नेम के साथ आ रहा है. और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, ना वहाँ पर साउंड आ रहा होता है और ना ही वहाँ पर उसका लेटर नेम आता है. तो आपने उन वर्ड्स को याद कर लेना है. अब आपने क्या करना है, इन टू पेजेस की रिवीजन करनी है और किसी की हेल्प से इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.